ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका की महापौर मीनाक्षी शिंदे को एक अज्ञात शख्स ने फोन पर धमकी दी है। मीनाक्षी शिंदे को उठवा लेने की धमकी दी गई है। फोन करने वाला व्यक्ति अपने आप को दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़ा हुआ बता रहा है। धमकाते हुए कहा कि ठाणे में विवाद बंद करो और सब ठीक से रहो, वरना उठवा लिया जाएगा और परिवार को भी परेशान किया जाएगा। जिसके बाद महापौर मीनाक्षी शिंदे ने इसकी जानकारी पालक मंत्री एकनाथ शिंदे को दी और उनके कहने पर ठाणे के कापुरवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। किस तरह की धमकी दी फोन करने वाले व्यक्ति ने और महापौर मीनाक्षी शिंदे ने क्या कहा है? हाँ, वही बोल रहे जिन्होंने मेरा नंबर दिया आपको, उनका बोल रहे हैं। मैं दाऊद को तो ऐसा सुना हाँ। है टीवी पे देखा है मैंने। अच्छा, देखा है ना। हाँ, रियल में मिले नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, उनसे उनसे हमारा क्या काम आएगा, तो उनको मिलेंगे हम। हम लोग उसके दोस्त लोग बोल रहे डोंगरी से, समझे, हम लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। ठीक है ठीक है, क्या काम था मेरा मेरे पास आपका? तुम्हारे से काम बहुत था, तुम जैसा बात कर रहे ना थाना में, मेरा बहुत पहचाने, बहुत पैसे वाले। आपने अगर मेरा लैंग्वेज सुना रहेगा तो मैंने यही कहा आपको कि मैं थाना में रहती हूँ, तो थाना में मुझे लोग पहचानते हैं। चाहो तो दो मिनट में आपको उठा के लेके जाएंगे, तुम्हारे पुलिस भी सीधा मुँह पे बोलता हूँ। ठीक है चलेगा, समझे, बड़ी बात नहीं करता हूँ कभी, शकील राजन का नाम भी सुने रहेंगे। ठीक है चलेगा। मी आता काय तर्क लावू शकत नाही, कारण मला तो फोन आला काल रात्री 11:30 आला होता, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितले की तुम्ही खूप भांडणं करता ठाण्यामध्ये, आणि त्याच्यामुळे आम्ही तुमच्या फॅमिलीला पण जीवे मारू आणि तुम्हाला पण मारू, किंवा तुम्ही कुठे असाल तिथून आम्ही तुम्हाला उचलून नेऊ। मी दाऊदच्या इकडनं बोलते, किंवा दाऊदचा मित्र आणि छोटा शकील आणि ह्यांचे त्यांची नावं घेतली, त्यांना ओळखता का असं त्यांनी मला सांगितलं। तर मुळात मला तोच प्रश्न पडतोय की दाऊदसारख्या गँगस्टरचं नाव, मला असं वाटतं ही पहिलीच वेळ असेल भारतातली की एखाद्या महिलेला अशा गँगस्टर लोकांकडनं धमकी येते। तर मी आधी पण तुम्हाला तेच सांगते की एकीकडे पुरुषार्थ कुठेतरी कमी होत चाललाय की काय, कारण बायकांना धमकी द्यायची वेळ येते पुरुषांना, तर हीच शोकांतिक आहे मोठी। आणि ते पण माझ्यासारख्या महिलेला एखादा पुरुष फोन करून सांगतोय की तुम्ही भांडणं करू नका आणि आम्ही गँगस्टर आहे आणि आम्ही तुम्हाला तिकडनं उचलून नेऊ किंवा मारून टाकू, तर अशा प्रकारच्या मुगम धमक्या देणारे लोक मला असं वाटतं की त्यांच्यात जर खरीच ताकद असेल तर त्यांनी माझ्या समोर यावं आणि त्यांची जी पोकळ धमकी त्यांनी मला फोनवर दिली ती समोर येऊन द्यावी। आपको बता दें कि पिछले दिनों मनपा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच मनपा सदन में खूब नोकझोंक हुई थी, मगर मीनाक्षी शिंदे ने इसकी शिकायत अब पुलिस में दर्ज करा दी है और पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।